हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCTI GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस यूट्यूब के टैली के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में पेरोल का पार्ट सेकंड हम सीखेंगे। पेरोल के वाउचर की एंट्री हम कैसे सीखते हैं, तो चलो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वाई फॉर वाउचर, पहले हम वी फॉर वाउचर करते थे, यहाँ पर हम वाई फॉर वाउचर करेंगे। और कंट्रोल एफ़ फाइव से अटेंडेंस करेंगे, पहले से ही है कंट्रोल F5। मैं अभयराज मौर्य मैं अब्सेंट है 4 दिन, फिर अभयराज को मैं सेलेक्ट करूँगा। अटेंडेंस है इसकी 22 दिन, और अभयराज की जो ओवर टाइम है अभयराज को ओवर टाइम 45 आवर्स है। और फिर उसके बाद मैंने देवराज का अब्सेंट है यहाँ पे 3 दिन, देवराज का जो अटेंडेंस या प्रेजेंट है इसका 23 दिन, और देवराज का जो ओवर टाइम है वो है यहाँ पे 40 आवर्स। देवराज का हो गया। मैं यहाँ पे गौरीराज का अटेंडेंस यहाँ पर है 36 डेज कंप्लीट है। गौरीराज का जो ओवर टाइम है वो ओवर टाइम यहाँ पे 68 आवर्स है। और यहाँ पे शिवांगी का अटेंडेंस 20 डेज है, और शिवांगी का जो है अटेंडेंस 20 डेज है। दूसरा मैं यहाँ पे अब्सेंट 3 डेज है, और शिवांगी का जो सिक लीव है वो 3 डेज है, और शिवांगी का जो ओवर टाइम है वो यहाँ पर है ओवर टाइम जो है यहाँ पे 5 आवर्स है। और फिर उसके बाद एक एम्प्लॉय और मेरा बच्चा है शिवराज अटेंडेंस 20 है, और जो शिवराज है उसका ABS अब्सेंट है उसका 3 डेज, और शिवराज का जो यहाँ पे सिक लीव है वो 3 डेज है। मैं टोटल यहाँ पर 26 डेज को मैं मान के चल रहा हूँ। जो मेरा कैलेंडर मंथ होता है वो 26 डेज वर्किंग होता है। तो मैं यहाँ पे नरेशन लिख ANDANC फॉर दी EMPLOY फॉर दी MONTA मंथ ऑफ APRIL अप्रैल 2022। मैं F2 से डेट को चेंज करता हूँ, 1/4 को मैंने एंट्री कर दिया है। Ctrl+A से डेटा को मैंने सेव कर लिया। मैंने अटेंडेंस का वाउचर यहाँ पर सेव कर दिया है। अगर आपको अटेंडेंस देखना है तो मैं DPT करूँगा, और DPT में यहाँ पर सारी की सारी अटेंडेंस यहाँ पर लगी हुई हैं। और अगर आपको अटेंडेंस शीट देखना है तो ADPA करेंगे, और यहाँ पे अलग अलग उसके अलग अलग प्राइमरी डिपार्टमेंट वाइज नेम वाइज सारी यहाँ पर अटेंडेंस आपको दिखेंगी। तो अभी हमारा अटेंडेंस क्लियर हो गया। अब मैं पेरोल की वाउचर एंट्री की, वाई फॉर पेरोल, और यहाँ पे कंट्रोल F4 फॉर पेरोल। सैलरी पेबल को मैंने उसमें बना रखा है करंट लाइबिलिटीज़ में। Alt+A से मैं ऑटो फिल करूँगा 2/4 करता हूँ, क्योंकि ये मेरा क्या बोलते हैं एजुकेशनल वर्जन है, इस वजह से अभी इस पर डेट नहीं रेंज कर सकते। तो यहाँ पर सारा मेरा जो है जो भी मेरा डेटा था वो सारा का सारा 2 तारीख को सैलरी पेबल में कंट्रोल से डेटा को सेव कर लिया है। अब आप इसको अगर फिर इसकी रिपोर्ट देखना चाहें तो DPPS अगर आज मौर्य सैलरी देखना चाहते हैं Alt+F2 करेंगे, 1/4 से लेकर के 1/5 आप प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाएगी कि जो एम्प्लॉय का नंबर है अभी मैंने उसको ब्लैंक कर रखा है, फंक्शन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, लोकेशन क्या है, बैंक डिटेल्स क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, अब्सेंट कितने हैं, अटेंडेंस ओवर टाइम क्या है, बेसिक सैलरी क्या है, और जो है इसका CCA DA TA DA क्या 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 है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बता रहा है।
और फिर उसके बाद यहाँ पर टैक्स, इनकम टैक्स, यूनिवर्सल टैक्स, पीएफ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें बता रहा है। तो यहाँ से हमने पेमेंट की रिपोर्ट देखी है। अब मैं बी फॉर बैलेंस शीट में अल्ट F1 करूँगा, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो भी हेड्स मैंने करंट लाइबिलिटीज़ में रखे थे, जो भी हेड्स मैंने करंट लाइबिलिटीज़ में रखे थे, वो यहाँ पर हमें सारे के सारे यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। जैसे जो हमारा EPF है, ESI है, इनकम टैक्स है, NPS है, PPF है, सैलरी पेबल है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सैलरी को हम पे करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि सैलरी को कैसे पे करेंगे। वी फॉर वाउचर, F5 फॉर पेमेंट, यहाँ से मैंने बैंक चूज़ कर लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखता हूँ पैसे हैं। यहाँ से अल्ट ए, यहाँ से 1-4 से लेकर के 1-5 तक मैंने, और इसको मैं प्राइमरी पोस्ट कैटेगरी ऑल आइटम्स करता हूँ, सैलरी पेबल्स बैंक ऑफ इंडिया से, और यहाँ से मैंने 1 लाख टोटल मैंने अभयराज को 34,000, देवराज को 39,000, गौरीराज को 37, 39, 40, ऐसे करके टोटल 1,90,589 रुपये 12 पैसे मैंने 1 मई को क्या किया, इसको मैंने पे कर दिया है। अब आप यहाँ पे बी फॉर बैलेंस शीट में जाएंगे, तो अल्ट F1 करके डिटेल चेक करेंगे, तो जो आपका सैलरी पेबल है वो तो यहाँ से ख़त्म हो गया, जो आपका सैलरी पेबल है वो यहाँ से क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे EPF, ESI, इनकम टैक्स और ये सारी चीज़ों को क्या करना है, मुझे इसको स्टेट एडजस्टमेंट के अगेंस्ट इन सब चीज़ों को मुझे क्या करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको पे करना है, और उसको फिर जो है गवर्नमेंट को उसको मुझे जमा कराना होगा। तो अब हम चलो अब हम इसकी एंट्री देखते हैं कैसे होती है। यहाँ से मैं जाऊँगा, इसको मैंने इसको वी फॉर वाउचर, एड्रेस फॉर स्टेट, यहाँ पर GST दिखा रहा है, GST पेमेंट नहीं करना है मुझे। नेचर ऑफ पेमेंट मैं वी फॉर वाउचर F5 फॉर पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया से पे करूँगा, और किसको पे करूँगा, यहाँ से मैं EPF को 17,440 रुपये 2 पैसे, EPF देखो 17,440 रुपये और 02 पैसे, EPF प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी, और यहाँ पे मैं यहाँ पर अलग अलग एम्प्लॉय का है, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं बताऊँगा, मैं इसको सीधा बता देता हूँ कि EPF जो है वो सभी का है। तो EPF, क्योंकि EPF अगर 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 हम अलग अलग देखें, तो मैं इसको सबसे पहले बी फॉर बैलेंस शीट जाऊंगा, EPF मैं चेक करूंगा, EPF कहाँ से है, कितने लोगों का, कहाँ से कितने कितने लोगों का है। EPF अलग अलग लोगों का है, किसी का जो है 29 से 6 है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इस एंट्री को मैं नेक्स्ट एंट्री में आपको बताऊँगा। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो, हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे EPF, ESI, इनकम टैक्स, NPS, इसको अलग अलग कैसे आप पे करेंगे अपने बुक्स, मैं एक बार में ही कर सकता हूँ, लेकिन आप इसको अलग अलग अपने बुक्स आप अकाउंट में कैसे करेंगे, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी पेमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, और अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम कि EPF, ESI, इनकम टैक्स, NPS, PPF, इन सब ये सारे जो हमारे टैक्स हैं करंट लाइबिलिटी वाले, इनको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से कैसे पे करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें और पढ़ाएं।